Let us face the situation. We want to face it. Why? Because in my speech, I have raised this point that the aspiration, those who are controlling our mind and our consciousness, it is not just mind. It is a kind of social situation. It is a kind of, you can say, the social morality. And I think social morality, what we accept in the society or what we practice in the society, for that social morality, just one section, whether it is youth or women or any age group, not just they are responsible for it. जैसे आपने कहा कि रिच बनना चाहता है, क्यों नहीं बनना चाहे? If you have tuition and one has a very good salary, very good package, he will receive proper respect in the family. And another is very moral person, very honest, he has a very good behavior, but he is not rich, he is not getting handsome salary, he will not receive proper respect in the society, proper respect in the family. So what he will learn? अगर मान लीजिए कि हम अपने लेवल पे उसको फेस भी करने, झेल भी जाए, what next generation will learn from that kind of social behavior? मान लीजिए कि मैं दो भाई हूँ, तो मेरा एक भाई जो है वो कुछ भी करता है, वो मतलब घूस लेता है ऑफिस में, उसके पास जो है बहुत लग्जरियस कार है, बहुत स्पेशियस जो है 2 BHK, then 3 BHK, then bungalow, then 1, then 2, then different cities. So everybody is praising him, and I am a simple teacher, every day going 10 to 5, teaching students, and I am happy with my salary. I am not doing any malpractices in my life. I am not getting proper respect in the family. So what my son and daughter will learn? They will tell me, क्या करेंगे जिंदगी भर? चाचा को देखिए, चाचा कितना पैसा कमा लिए हैं, चाचा बढ़िया गाड़ी खरीद करके लाए हैं। ये जो आप बार बार एक चीज के लिए यूथ को रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, उसके लिए यूथ रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे देश में जो मोरालिटी है, जिस मोरालिटी को आज हम लोग मिस कर रहे हैं, वो मॉरलिटी का कब का चला गया था। वो मॉरलिटी अगर होता तो मुझे आप बताइए, वो मॉरलिटी का अगर कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती तो वो मॉरल क्राइसिस सोसाइटी में क्रिएट ही नहीं होता। साइमल्टेनियसली आप देखिए कि सोसाइटी बदला कैसे है। आप अपने लोकेलिटी को देखिए, लोकेलिटी में पहले कोई प्रॉब्लम होता था तो लोग किसी एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान के पास जाते, उसको उस चीज के लिए कंसल्ट करते थे, उससे सजेशन लेते थे। देन सडनली गांव का जो चीफ होता है, ग्राम प्रधान, वो कोई अब टीचर नहीं बनता है, वो अब कोई ऐसा आदमी नहीं बनता है जो सोशल मूवमेंट में रहा हो, जो लोगों के लिए काम करता हो, जिसके पास जो सोशल वैल्यू को रेस्पेक्ट करता हो, जो सोशल मॉरलिटी को प्रैक्टिस करता हो, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो स्पेस कौन लिया? वो स्पेस लिया माफिया, वो स्पेस लिया कॉन्ट्रैक्टर, वो स्पेस लिया मर्डरर। लीडर कौन बन रहा है? जिसके पास इलेक्शन में खर्च करने के लिए 500 करोड़ नहीं है, जो 100 करोड़ 50 करोड़ खर्च नहीं कर सकता है, वो तो इलेक्शन ही नहीं जीत पाता। और आप कह रहे हैं कि यूथ पैसा लेकर के वोट दे। हम कहते हैं कि यूथ जब वोटर बना, जब वो सिटीजन बना, उससे पहले वो एक इंडिविजुअल था जो एक फैमिली में पैदा हुआ, जिसकी एक सोशल कंडीशनिंग हुई, और उस सोशल कंडीशनिंग में उसने क्या सीखा? उस सोशल कंडीशनिंग में उसने यही सीखा कि एनी हाउ इफ यू हैव मनी यू कैन एक्सेस एवरीथिंग, यू कैन गेट सोशल रिस्पेक्ट, यू कैन एक्सेस हेल्थ, you can access vehicle, you can access plane, you can access hospital, you can access everything, whatever you want to access you can access if you have money. तो मैं अगर यूथ हूँ तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं भी पैसा क्वेश्चन नंबर 2 कि दिन भर जो है वो टीवी पे टाइम पास करता है, इस तरह की मीटिंग में नहीं आता है। इस तरह की मीटिंग के बारे में उसके पास पता है, उसको मालूम ही नहीं है इस तरह का कोई मीटिंग होता है। पूछिए क्यों? कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब हम प्रैक्टिस करना शुरू किए, लेकिन अगर हम ये दावा करते हैं कि हम साइंटिफिक हैं, लेट मी रिमाइंड यू, अगर ये हमारा दावा है कि हम साइंटिफिक हैं, हमारे पास जो है साइंस को आगे बढ़ाने का और साइंस को यूज करने का पहला अधिकार है। आपको आश्चर्य होगा इस देश में कौन सी पार्टी सबसे पहले वेबसाइट बनाई है। डू यू नो दैट? इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पे वेबसाइट बनाया है? एनीवन कैन आंसर मी, बताइए। बीजेपी। डू यू नो दैट? सबसे पहला वेबसाइट किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में बनाया, उसका नाम है बीजेपी। और बीजेपी कहती क्या है? बीजेपी का पूरा पॉलिटिकल जेनेसिस क्या है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है? वो ये नहीं कहती है कि सरकार नौकरी देगी, भगवान नौकरी देगी। उसकी तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी इसी आधार पे है। दे डोंट बिलीव इन मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, दे बिलीव इन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी। बट व्हाट दे प्रैक्टिस इन देयर लाइफ very much materialistic philosophy, but what they propagate idealistic philosophy. इस contradiction को तो हमको समझना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा irrational पार्टी है, सबसे ज्यादा illogical पार्टी है, सबसे ज्यादा unscientific पार्टी है, वो सबसे ज्यादा साइंस का इस्तेमाल कर रही है। आपको जानकर भी आश्चर्य होगा इस देश में सबसे ज्यादा ट्विटर फॉलोवर किसका है? नरेंद्र मोदी का। किसका होना चाहिए? जो साइंस पे क्लेम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी पे क्लेम करते हैं, जिनका मानना है कि ह्यूमन सोसाइटी ने, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ये डेवलपमेंट करके दुनिया को ऐसा बनाया है। ये एक फिलॉसफी है जिसको हम लोग जानने से ज्यादा लोग मानते हैं जो इस हॉल में, और जो ये मानते हैं कि नहीं सब भगवान का दिया हुआ है या सब अल्लाह का दिया हुआ है, वो साइंटिफिक टूल को हमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी मैं कह रहा हूँ, किसी भी अनसाइंटिफिक पार्टी के प्रोग्राम में चले जाइए, वहां आपको सबसे ज्यादा साइंटिफिक टूल मिलेगा। हो सकता है कि मेरी आवाज पीछे नहीं पहुंच रही, लेकिन जब आप उसके प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ NDTV लगा रहेगा, पीछे प्रोग्राम के आएगा। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? जो आप कह रहे हैं कि एक चैनल होना चाहिए, तो कौन रोक लिया था? बताइए, कोई रोक लिया था? YouTube पे चैनल बनाने में कुछ लगता है? अपना जैसे आप ईमेल आईडी बना लेते हैं, YouTube पे चैनल बना लेते हैं। और जब चैनल बन रहा था तब हमने चैनल क्यों नहीं खोला? अब तो हम चैनल बना भी नहीं सकते, क्योंकि जो मार्केट बेस्ड चैनल्स थे वो चैनल को बंद हो रहे हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने वाले चैनल कैसे चलेंगे? अब तो वो चीज भी पुराना पड़ गया है, अब हमको कोई नया चीज ढूंढना पड़ेगा। We have to identify something else. अब ये भी पुराना पड़ गया है। I am giving the example of NDTV. NDTV किसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार नहीं है। NDTV जो है किसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार भी नहीं करती है। NDTV तो एक लिबरल चैनल है और जो डेमोक्रेटिक क्वेश्चन है उसको उठाता है। लेकिन मार्केट का इतना ज्यादा प्रेशर है कि NDTV बंद होने के कगार पे है। अभी उनको एयरपोर्ट पे डिटेन कर दिया। ये जो सिचुएशन आज क्रिएट हुआ है, मैं ये मत सोचिए कि मैं आपके जनरेशन को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो हम फेस कर रहे हैं ये पिछले जनरेशन का बुरा हुआ है। इस बात को हमको मानना चाहिए और ये ब्लेम गेम नहीं है। अगर हम इस बात को मान लेंगे, वंस वी विल एक्सेप्ट इट, we will start to हम लोग इसका कोशिश करने लगे, we will try to correct it. और उसको करेक्ट करने में मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि फेसबुक से कोई क्रांति आ जाएगी और ट्विटर से कोई क्रांति आ जाएगी। आई हैव स्टॉप राइटिंग ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। क्योंकि वो मीडियम कैलकुलेट होती है, उसका पूरा का पूरा जो एल्गोरिदम होता है वो एल्गोरिदम कंट्रोल किया जाता है। आप मान लीजिए कि आपके 5000 दोस्त थे, इफ यू हैव 500 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक अकाउंट, उसमें से आपको कुछ सर्टेन लोगों का ही टाइमलाइन आपको दिखेगा, उसके अपडेट्स ही आपके टाइमलाइन में आएंगे और बहुत सारी चीजें जो है आपको दिखाई ही देंगी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सजेशंस आएंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, अगर आप दिन में म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, सडनली यू विल रिसीव अ ईमेल फ्रॉम म्यूचुअल फंड, द कंपनी ऑफ म्यूचुअल फंड। इफ यू विल टॉक अबाउट शूज, यू विल गेट अ पॉपअप ऑन योर फेसबुक अकाउंट अबाउट द शूज। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, कितने लोग हैं जो इस पे काम करते हैं? मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। As a progressive person, as a liberal person, as a leftist person, it is our responsibility to break the monopoly. लेकिन monopoly को break करने के लिए हम act क्या करते हैं? हमारे पास करने को काम क्या है? 4-5 इंजीनियर मिल करके लिनक्स बना करके माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की मोनोपोली को ब्रेक कर दिया। उस काम को आज कौन कर रहा है? और उस काम को करने वाला जो जनरेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम कितना पहुंच रहे हैं? आपको पता है आईआईटी में लेक्चर देने के लिए कौन जाता है? सदगुरु। यू मस्ट रिमेंबर, आईआईटी में लेक्चर देने कौन जाता है? सदगुरु, बाबा रामदेव। ये सारा का सारा फील्ड जो है उन्होंने छोड़ दिया है, पूरा का पूरा फील्ड छोड़ दिया। एक जनरेशन इस देश में जो लेफ्टिस्ट थे, प्रोग्रेसिव थे, सेकुलर थे, डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने काम किया। उसके एग्जाम्पल थे कॉम्रेड काका लिया, वो पूरा का पूरा जनरेशन काम किया। उसके बाद में एक जनरेशन आया जो सिर्फ भाषण दिया, जो सिर्फ भाषण दिया, उस फील्ड में जाकर के काम ही नहीं किया। मैं ये पूछता हूँ कि कोई अगर आईआईटी का प्रोफेसर है, ऑब्वियसली वो साइंटिफिक होगा, ऑब्वियसली जो है उसको मतलब होना चाहिए, वो लॉजिकल होगा, रैशनल होगा, लेकिन उसके भीतर जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का सवाल है, जो अप्रोच का सवाल है, जैसे आइंस्टाइन सिर्फ साइंस नहीं थे, वो सोशल फिलोसफर भी थे। इसीलिए आइंस्टाइन ने एक आर्टिकल लिखा था, वाई सोशलिज्म, ये बहुत फेमस आर्टिकल था आइंस्टाइन का, वाई सोशलिज्म। उन्होंने आर्टिकल लिखा, इस तरीके का काम करने वाले कितने लोग आज हमारे पास बच गए? डॉक्टर जो हैं, जो साइंस को प्रैक्टिस करते हैं, उनके बीच में हमारा कितना अप्रोच बच गया है? जो साइंटिस्ट हैं, अब आप मुझे बताइए, मैं किसी कल्चर या ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नारियल छोड़ने से मंगल नहीं मंगल में पहुंचेगा। नारियल तो हम 5000 साल से छोड़ गए हैं, तो अभी तक मंगल में क्यों नहीं पहुंचे? ये जो पूरा का पूरा लड़ाई है, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, और इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई को जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, और मैं आपको कहता हूँ हमने शुरू नहीं किया है, जब तक हम शुरू नहीं करेंगे नए तरीके से, नए टूल को एडॉप्ट करके, तब तक ये सिचुएशन हमारे बीच बना रहेगा। उसको ब्रेक करने की जरूरत है। और आपको सुनकर क्या आश्चर्य होगा, जो काम इस तरह की मीटिंग में नहीं हो पा रहा है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस फैलाने का काम साइंटिफिक सेंटर, टेम्पर, लॉजिकल रैशनैलिटी, उसको स्प्रेड करने का काम इस देश के कॉमेडियन कर रहे हैं, कॉमेडियन। और हमारा जो यूथ है, हमारा यूथ के बीच हम भले नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उस मीडियम के माध्यम से उस जनरेशन को, जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट में, सर्विस सेक्टर में काम करने वाला जो यंग जनरेशन है, जो इंजीनियर है, जो एमबीए है, जो मार्केटिंग के काम का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, उसके बीच में पॉलिटिकल कॉन्सेंसस पहुंचाने का काम किया। तो अगेन हम ये स्ट्रेस कर रहे हैं, हम उस पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी की ये जरूरत होती है, ये नीड होता है कि वो साइंटिफिक चीज़ों को एडॉप्ट करे, क्योंकि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होते हैं वो हमारी सोसाइटी, हमारे लाइफ को ईजी बनाने के लिए होता है। अगर उस मीडियम को हम एडॉप्ट नहीं करेंगे अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, उसको प्रोपगेट करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करके अनसाइंटिफिक टेम्पर को स्प्रेड किया जाएगा। तो मोबाइल में भाजपा बनाई है, भाजपा नहीं बनाई है ना, तो भाजपा कभी मोबाइल बना भी नहीं सकती है, क्योंकि जो अनसाइंटिफिक फिलॉसफी है उसे तो मोबाइल नहीं बनेगा, उससे तो कैमरा नहीं बनेगा, उससे तो ये साउंड सिस्टम नहीं बनेगा, उससे तो इंजीनियरिंग डेवलप नहीं होगा, उससे तो ये लाइट नहीं बनेगा। ये तो साइंटिफिक फिलॉसफी से होता है, लेकिन साइंटिफिक टूल को यूज करते हुए कोई अनसाइंटिफिक हो सकता है, दंगाई हो सकता है, बलात्कारी हो सकता है, वुमनाइजर हो सकता है, ईद कीजिए करने वाला। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करके हम साइंटिफिक टेम्पर को, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को पहुंचाने का काम करें। और उस नए मीडिया को अगर हम एडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं तो यूथ सुनने के लिए तैयार है। अब हमको पसंद है क्रिकेट और आप हमको जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी बनाना शुरू कर देंगे। पहले क्रिकेट की बात करके हमसे दोस्ती कीजिए, हमारे साथ बैठिए, थोड़ा हमारी गर्लफ्रेंड का हालचाल लीजिए, थोड़ा हमारा विचार मोनोगमी के ऊपर जानिए, मोनोगमी के ऊपर हमारे विचार को सुनिए। हम जो है मैरिज इंस्टीट्यूशन को लेकर के क्या सोचते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, थोड़ा इन चीज़ों पर चर्चा कीजिए, फिर धीरे से हमको मार्क्सवाद समझा दीजिएगा। और मार्क्सवाद ऐसी चीज है कि एक बार अगर आप हमको बनाना शुरू कर देंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज्यादा खतरनाक नशा कोई होता है। Just a moment. Thank you for your thought-provoking lecture. And you should have been in the inside the parliament, and gradually it didn't happen. I wish one day you would be there and made the temple of democracy as real temple of democracy. That's what my wish. Now the question is this: you have rightly pointed out that youths are not scientific now. They are using scientific temper and progressive ideology and then liberalism. Of course, you have identified the reasons also. But my question to you is, as an youngster, as a youth leader, and as from your organization, what are the specific programs, plans to attract the youth? You just observe this audience. Auditorium is full, but many of us are middle-aged or senior citizens. I wish this auditorium could have filled with youngsters because of your presence, but that didn't happen. Now, as a youth leader, what are your plans, programs to attract the youth? See, there is a very famous English phrase: "Age is number, young is pity." So I don't think that this hall is full of old age people. I think all of us are youth and all of us are young, because we become young not on the basis of our age, we become young on the basis of our ideas. If we are here to question the establishment, the quote-unquote established truth, I think we are the part of young lot. So this is one thing. Second thing, you have asked me the specific program. See, if I will ask something here, maybe I will receive too much criticism from our own organization. But it is very serious time to think about the structure and the strategy and the program of left party in this country. First, I think it is the time to think about the idea of membership. And in my opinion, although it is indisciplined to express such kind of opinion in this kind of event, but I can express because it is my democratic right to express myself. That left party must think about how party can function not as a communist party, but as a mass party. This is one thing. Definitely I will raise this question, there will be too much criticism and I don't know they will accept or not. But it is my personal opinion that left party should think about it. How we can establish Congress party as a mass party. Second, if I am talking about mass party, the only thing I am trying to focus on is the mass psychology. We have to understand it. Because fascism always operates on the basis of mass psychology. They strategize their program to control the psychology of masses. Like, you see how they behave, which kind of policy they try to introduce in the parliament. They know कि 3 तलाक बिल से महिलाओं का कोई कल्याण नहीं होने जा रहा है, they know it. लेकिन हिंदू वर्सेस मुसलमान ये जो डिबेट है इसमें वो पेट्रोल डालने का काम करते हैं. They know कि 370 रहे या चला जाए, इससे कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला है. I am telling you very clearly. और कश्मीर का जो कुछ नहीं होने वाला है तो 370 से बेंगलुरु और मैसूर का कुछ नहीं बनने वाला है. लेकिन इससे हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो एक डिबेट है उसमें पेट्रोल का काम करता है. उनको पता है कि राम मंदिर बन जाने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो उनका प्रोग्राम है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनका कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसको पेट्रोल मिलता है. आप सोच कर कितने लोग बताइए कि अगर मंदिर बना देने से देश का समस्या समाप्त हो जाए तो मैं तो समझता हूं कि सारे अस्पताल की जगह पर राम मंदिर बना देंगे. लोग बीमार ही नहीं होंगे. लोग अगर बीमार ही नहीं होंगे तो फिर अस्पताल का जरूरत ही नहीं होगी. लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. मतलब किसी भी मंदिर मस्जिद में जाकर के हाथ जोड़ेंगे खुदा या भगवान के सामने और सारा ज्ञान हमको आ जाएगा तो बताइए स्कूल और कॉलेज का क्या जरूरत है. अगर मान लीजिए कि हमारे पास पुष्पक विमान हो जिसमें बैठ करके हम उड़ जाएं तो हवाई जहाज का क्या जरूरत है. मन करेगा तो मंगल पे चले जाएगा, मन करेगा चंद्रमा पे चले जाएंगे, मन करेगा बंगलोर घुमाएंगे, मन करेगा तो गोवा में छुट्टी मनाने पे आ जाएंगे. इस बात को समझिए कि वो अपने लाइफ में बहुत लॉजिकल है लेकिन सोसाइटी को उसकी जो साइकोलॉजी है उसमें उसको अनसाइंटिफिक बनाने का प्रयास करते हैं. क्यों? क्योंकि अनसाइंटिफिक लोग नहीं बनेंगे, लोग भीड़ नहीं बनेंगे तो वो चरवाहा कैसे बनेंगे. अगर हम गधा नहीं बनेंगे तो वो हमारा चरवाहा कैसे बनेंगे. इसीलिए वो इंसान को इंसान नहीं बनाते, वो भीड़ बनाते हैं. और मार्केट उनको कैसे मदद करता है इस बात को समझिए. मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ. आप जब किसी मॉल में जाते हैं जींस खरीदने के लिए तो आपके लिए थोड़ी जींस बना है. 28 नंबर के कमर के आदमी के लिए जींस बना है, 30 नंबर के आदमी के लिए जींस बना है, 32 नंबर के कमर वाले व्यक्ति के लिए जींस बना है. उसमें आप और आपका चेहरा नहीं है. चॉइस है, जिस चॉइस में आप फिट हो सकते हैं उस चॉइस में आप फिट हो जाएंगे. तो इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी खत्म की जाती है. और इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को जब खत्म किया जाएगा तो इंडिविजुअल अपने आप जो है वो मॉब का हिस्सा बन जाएगा, वो भीड़ का हिस्सा बन जाएगा. और यहीं से आइडिया ऑफ सिटीजनशिप डेंजर में चला जाता है. इसीलिए मेरा ये स्पेसिफिक सलाह है कि आज के डेट में जो लेफ्ट पार्टी है उसकी लड़ाई के एजेंडे में ये एजेंडा प्रमुखता से शामिल होना चाहिए कि हम इंडिविजुअलिटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. इस बात को समझिए. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. पहले जो हमारा प्रोग्राम बनता था, जो हमारी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स होती थी, तो हम इंडिविजुअल को कलेक्टिव बनाने का प्रयास करते थे. लेकिन आज जो हमारा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बनना चाहिए उसमें कलेक्टिव तो हम रहेंगे, वो तो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है. हम चाह करके भी जो कलेक्टिवनेस है सोसाइटी का उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल के राइट के सवाल को हमको प्रेस करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। और इस नए जमाने में जिसको कहते हैं 21st सेंचुरी, जो मास स्ट्रगल होगा, उसमें जो स्टेट वर्सेज इंडिविजुअल की लड़ाई होगी, जिसमें आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़े होंगे कि इंडिविजुअल अपने राइट्स को स्टेट के सामने सरेंडर करता है और स्टेट बदले में ये एश्योरेंस देता है कि हम इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए करेंसी पैदा करेगा, आपकी इकोनॉमी को देखेगा, वो आपके लिए सिक्योरिटी का व्यवस्था करेगा और वो आपकी जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, उसको पूरा करने का काम करेगा। बदले में आप क्या करेंगे? बदले में आप जो प्रोडक्शन सिस्टम में हिस्सा लेते हैं, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप टैक्स, आप सरकार को, आप स्टेट को हर चीज में टैक्स देते हैं। बताओ हमारा और स्टेट का क्या रिलेशन है? हम सरकार को टैक्स देंगे और सरकार हमको बदले में सर्विस और सिक्योरिटी देगी। अभी क्या हो रहा है? अभी हो ये रहा है कि हम तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन स्टेट हमको बदले में सर्विस और सिक्योरिटी नहीं दे रही है। सर्विस और सिक्योरिटी दे रही है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने मोबाइल से कोई चीज बुक किया, यू हैव बुक समथिंग ऑन मोबाइल, आपका पैसा अकाउंट से कट गया और उधर जो सामान आपने बुक किया वो बोला कि हमारे पास पेमेंट नहीं आया है, आप कहाँ क्लेम करेंगे? आपने स्टेट ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी होगी, आप अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लीजिए, ठीक है। अब बैंक कह रही है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो हमको क्या जरूरी है बैंक में जाने का? हमको क्या जरूरी है कैशलेस इकोनॉमी को अपनाने का? अगर आप सर्विस देने के बदले में हमसे दोहरा चार्ज करेंगे, मतलब कि एक गलती का आपको दो बार सजा दिया जाएगा। आप हमको ऑलरेडी टैक्स हमसे ले रहे हैं, हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जो हमारा सेविंग्स है उसको जब हम बैंक में रख रहे हैं तो अलग से आप हमारे ऊपर सर्विस चार्ज कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी पूरे के पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ा करप्शन है वो सर्विस चार्ज का करप्शन है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप गाड़ी खरीदे, यू हैव परचेज द व्हीकल, और जब आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं तो आप रोड टैक्स जमा करते हैं। जब आप ऑलरेडी रोड टैक्स जमा कर दिए हैं तब आपसे टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है? रोड पे होंगे समझा रहे। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें आप जो नया सवाल इमर्ज होकर के आ रहा है वो है कि स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल की इस लड़ाई में अब स्टेट इंडिविजुअल को कोई राइट नहीं दे रहा है, बल्कि इंडिविजुअल अपना राइट स्टेट के सामने सरेंडर कर रहा है। इफ इंडिविजुअल इज सरेंडरिंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ स्टेट, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर सर्विस एंड प्रॉपर सिक्योरिटी। ये नए चीजों को हमको रेज करना पड़ेगा, नए सवालों को हमको रेज करना पड़ेगा और उसमें एक नया सवाल जाता है, वो है इकोलॉजी का सवाल, वो है एनवायरनमेंट का सवाल। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का सवाल उसमें इस तरीके से ऐड होता है कि आप देख लीजिए कि जब गर्मी पड़ रही थी तो साउथ इंडिया के बहुत सारे शहरों में पानी खत्म हो गया था और अभी जब बरसात हो रही है तो बहुत सारा शहर डूब गया है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि बारिश, मानसून अपने टाइम पे नहीं आ रहा है और धीरे 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 बरसात नहीं हो रही है। एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही सबसे ज्यादा या मैक्सिमम बारिश हो जाती है। नतीजा क्या होता है? जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है। एक तरफ हम बराबर वाटर क्राइसिस को झेलते हैं, दूसरी तरफ जब बारिश आती है तो हम जो है फ्लड सिचुएशन को झेलना शुरू करते हैं। सो इकोलॉजी इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन कमिंग डेज। सो अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो आने वाले वक्त में जो मास मूवमेंट इमर्ज करेगा वो राइट बेस्ड मूवमेंट होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम अपने राइट की बात कर रहे हैं तो हमको नेचर को भी एक खास राइट प्रोवाइड करना पड़ेगा और आर ओन सर्वाइवल। नेचर को राइट प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि हम उतना ही नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करें जितने में हम लंबे समय तक एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ जी सकें। सो दीज आर द न्यू political demands which should be included in our political program, in our political strategy. तो एक political structure का सवाल है। दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का सवाल है, और तीसरा जो मुझे लगता है कि इसको शुरू कहाँ से किया जाए। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी इस देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का मास मूवमेंट इमर्ज कर रहा है। उस मास मूवमेंट को इस नए स्लोगन के साथ, नए फ्रेज के साथ, नए मुहावरे के साथ हमको उसको अपने साथ एकोमोडेट करने का प्रयास करना। हम जो ऑलरेडी ऑनगोइंग मूवमेंट है उसका हिस्सा बने, उसमें शामिल हों, और वहाँ के जो लोग हैं उनको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करके एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव शो करें सोसाइटी के सामने, देश के सामने, जिस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव में हम ये कह सकें कि हमको किस तरीके के भारत का निर्माण करना है। रेवोल्यूशन वर्ड जो है अपने आप में बहुत ही, आप ये कह लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट टर्म होता है। रेवोल्यूशन में तो लोग पूछेगा कि रेवोल्यूशन में क्या करेंगे, तो उसको डिस्क्राइब करने में हम बहुत सारी चीजों को ठीक से समझा नहीं पाते। हमको लगता है उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमको डीकंस्ट्रक्ट, जो ऑनगोइंग रेवोल्यूशन है, जो अभी पिछले क्वेश्चन को जब मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था, जो ऑलरेडी ऑनगोइंग रेवोल्यूशन है, उस रेवोल्यूशन को हमको अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ एकोमोडेट करना है। अब आप ये समझ लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो नया जनरेशन है शायद इस बात को जानता हो, डार्क वेव नाम की एक चीज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। डार्क वेव के अंदर बहुत सारा जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, और सरकार पे हम इस बात के लिए दबाव बना सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा अधिकार है, और जब हम किसी चीज को पेमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर सर्विस हमको मिले, ये हमारा राइट है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता देता हूँ कि सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल आपकी ऐसी जरूरत बन गई है कि बिना पापा मम्मी का काम चल जाएगा, लेकिन बिना मोबाइल का काम नहीं चल जाएगा। सुबह उठते ही पहला काम लोग करता है कि मोबाइल चटोलता है, मोबाइल, और टाइम देखने से जो मोबाइल शुरू होता है, या अलार्म आप लगा करके सोए होंगे तो अलार्म बंद करने से जो मोबाइल से आपका काम, आपका दिन का शुरू होता है, वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम होते हुए तब आपका दिन। तो सबसे पहला काम ये करते हैं लोग मोबाइल के पास जाते हैं, लेकिन मोबाइल में जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो टेलीकॉम कंपनी है, देखिए वहाँ पे किस तरीके से मोनोपोली क्रिएट किया गया है। BSNL खत्म हो गया, एयरसेल खत्म हो गया, आइडिया खत्म हो गया, वोडाफोन और एयरटेल जो है वो सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है, तो बच कौन जाता है? जियो जाता है। और यहाँ से जो है आपको गेम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जियो धन धनाधन आखिर सर्वाइव कैसे किया है। जियो धन धनाधन इसलिए सर्वाइव किया है क्योंकि मोदी जी सर्वाइव किया। जियो का और मोदी जी का बड़ा गहरा संबंध है। अगर जियो नहीं होता तो मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी नहीं होते तो आज जियो नहीं होते। ये जो नई चीजें हो रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम, हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक ऐसा सेक्टर जहां मोनोपोली क्रिएट होने की संभावना नहीं थी, स्टेट के सहयोग से, स्टेट के कॉर्पोरेशन से वहां पे मोनोपोली क्रिएट की गई। जमीन BSNL का, टावर BSNL का, और सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी अंबानी जी का। अब अंबानी जी की जियो की कंपनी और अंबानी जी का 40% स्टेक होल्डर है इंडिया के मीडिया में। तो जब 40% उनका स्टेक होल्डर होगा तो जो टोटल एयर टाइम है उसके 90% में मोदी मोदी यही भजन होने वाला है। तो किस तरीके से आपके पूरे के पूरे आइडियाज को, आपके पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस को कैप्चर किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में अल्टरनेटिव माध्यम क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव माध्यम यह हो सकता है कि वो यंग लॉट जो IIT में पढ़ता है, जो डार्क वेव को समझता है, उससे मिला जाए, उससे बात किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, और इस अल्टरनेटिव खड़ा करने के प्रोसेस में ऐसा जो हमारे सामने प्रोपेगेंडा का तंत्र खड़ा हो गया है, तो हम कम्युनिटी रेडियो कैसे शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल पे हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और जो सर्विस हमको ठीक से नहीं मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में, उसको हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। हम रिचार्ज कर रहे हैं 5G का और हमको स्पीड मिल रहा है 2G का, इसको हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा कर सकते हैं। ये कुछ मोटा मोटी आइडिया मेरे दिमाग में है, मैं नहीं जानता हूँ कि कितना कॉन्क्रीट है, लेकिन अगर इस दिशा में बातचीत शुरू हो तो एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट इस संबंध में तैयार किया जा सकता है। थैंक यू। ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ। तो आपने जय श्री राम कहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग सीताराम बोलते हैं। बोलने की इजाजत हमको हमारा संविधान देता है, इसीलिए क्या बोलिए जो आपको बोलने की आदत है। और रही बात मेरी, तो मैं आपको बता दूं, मेरा तो जन्म ही मिथिला में हुआ है। मेरा जो घर है वो घर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ उसका नाम बेगूसराय है और वो मिथिला में आता होता है। अगर आप मेरे यहाँ आएंगे तो आपको बड़ी आश्चर्य लगेगी। हमारे गांव में हर साल ये जो अगहन का महीना होता है हिंदी का, उसमें अयोध्या से बारात आती है और लड़के आते हैं बाराती बन करके और राम लक्ष्मण आते हैं बर बन करके। और हमारे गांव में राम जानकी मंदिर है जहां पे हर साल राम विवाह होता है। और मैं मजेदार बात आपको बताता हूँ, मिथिला के जो लोग होते हैं वो राम जी को गाली देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मिथिला राम जी का ससुराल है और इस लिहाज से वो राम जी का उनको मजाक करते हैं। हमारी संस्कृति में जब शादी ब्याह होता है तो जो बारात आती है तो बारातियों को सारातियों के द्वारा गालियां सुनाई जाती है, उनको गालियां दिया जाता है। जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि राम जो भगवान है उनको स्वागत में लोग गालियां दे रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है और हम जिस संस्कृति जिस कल्चर में पले बढ़े हैं वहाँ कभी भी किसी भी भगवान को अकेले नहीं याद किया जाता है। आपने कहा ना वननेस, उनको अकेले नहीं याद किया जाता है। हमेशा राम को सीता के साथ और राधा को कृष्ण के साथ याद किया जाता है। ये हमारी ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप दूर हैं और जो है मैं तो PhD कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी PhD कर पाए। अगर आप PhD करें जितने रामायण लिखे गए हैं कम से कम उन रामायणों पे ही आप PhD कर लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में कम से कम 300 से ज्यादा रामायण लिखे गए हैं, मोर देन 300। और मैं एक बार हिमाचल गया था। हिमाचल में त्रिलोकनाथ की मंदिर है। मैं आपको कहता हूँ इस देश को घूमिए, यह देश इतना शानदार है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपको कई बार अपने आप को छोटा और तुच्छ महसूस होगा कि हम कितना तुच्छ हैं इस देश के सामने। जब आप त्रिलोकनाथ मंदिर जाएंगे तो त्रिलोकनाथ मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है और भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर भगवान शिव का मूर्ति बनाया गया है, सर के ऊपर बनाया गया है। और उस मंदिर में पहले हिंदू साधु आते हैं जो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट मोंग आते हैं जो वहां जाकर के परिक्रमा करते हैं। ये हिंदुस्तान की खासियत है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि वहां जो लाहौल, मैं उस जिले की बात कर रहा हूँ और मैं फैक्चुअली अगर गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। लाहौल जिले में जहाँ ये मंदिर है वहाँ की जो भाषा है लाहौली, वहाँ का जो रामायण है जो लाहौली भाषा में लिखी गई है, उस रामायण में सीता का अपहरण रावण नहीं करते हैं बल्कि रावण सीता के पिताजी हैं। उस रामायण के हिसाब से सीता एक्चुअली रावण की बेटी है लाहौली रामायण के हिसाब से, और राम ने प्रेम विवाह करके सीता से शादी कर ली, इसीलिए रावण और राम का युद्ध होता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। देखिए आई डोंट नो कि आपको किसने और क्यों दिमाग में इन चीजों को डाला है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इस देश में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए इससे ज्यादा गौरव की बात नहीं हो सकती। अगर आप हिमाचल जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप स्विट्जरलैंड में हैं, और अगर आप मैंगलोर और गोवा के बीच पे सोएंगे तो आपको लगेगा जैसे मियामी के बीच पे लेटे हुए हैं। अगर आप इस देश के मैदानों में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि ये अमेरिका के उस ग्रीन मैदान से भी ज्यादा बड़ा मैदान है। अगर आप दक्षिण के पठारों में घूमेंगे तो इसकी अपनी एक खास बात है। अगर आप छोटा नागपुर के पठार में घूमेंगे तो वह खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपका देश आपका है जैसे आपकी माँ आपकी है, और आप अपनी माँ से यदि प्यार करते हैं तो ये आपका निजी मामला है। लेकिन जब आप रोड पर चल रहे हो, कोई आए कोई भी रंग का झंडा लेकर के और कोई भी नारा लगा करके, चाहे वो इनकलाब जिंदाबाद बोले या जय श्री राम बोले, वो नारा लगा करके वो झंडा दिखा करके आपसे कहे कि तुम अपनी माँ से प्यार करते हो जरा करके दिखाओ, तो आपका क्या जवाब होगा? यह देश हमारा है, इस देश से हम प्यार करते हैं।